हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परिवार वृक्ष फैमिली ट्री के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। जब राजू पार्क से खेलकर घर लौटा तो उसने उसके पिताजी द्वारा बनाया गया परिवार वृक्ष फैमिली ट्री सोफे पर देखा। इतने सारे लोगों में से मेरे कुल कितने परपर नाना और परपर नानी हैं? बच्चों, क्या आप राजू के इस परिवार वृक्ष फैमिली ट्री को देखकर इस प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं? राजू के परपर नाना और परपर नानी उसकी माँ के पर नाना और पर नानी होंगे। इस तरह ये है राजू के परपर नाना और परपर नानी। राजू के कुल 8 परपर नाना और परपर नानी हैं। अगर मैं अपनी छठी पीढ़ी बनाऊं तो उसमें कितने लोग होंगे? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि राजू की छठी पीढ़ी में कुल कितने लोग होंगे? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। राजू की छठी पीढ़ी बनाने के लिए हमें उसके परपर नाना, परपर नानी, परपर दादा और परपर दादी के माता पिता को इस परिवार वृक्ष में जोड़ना होगा। इस तरह राजू की छठी पीढ़ी में कुल 32 लोग होंगे। मेरे पिताजी के कुल कितने परदादा और परदादी हैं? बच्चों, क्या आप राजू के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं? राजू के पिताजी के परदादा और परदादी राजू के पिताजी के दादाजी और दादीजी के माता पिता होंगे। इस तरह राजू के पिताजी के कुल 4 परदादा और परदादी होंगे। इस छठी पीढ़ी को जोड़कर अब मेरे परिवार वृक्ष में कुल कितने लोग हो गए? बच्चों, क्या आप राजू के इस प्रश्न का भी हल ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। पहले हम हर पीढ़ी में आने वाले लोगों की संख्या को लिख लेंगे, फिर राजू के परिवार वृक्ष में आने वाले कुल लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए हमें केवल इन सभी पीढ़ियों के लोगों की संख्याओं को जोड़ना होगा। इस तरह राजू के परिवार वृक्ष में कुल 63 लोग हैं। तभी राजू के दरवाजे की घंटी बजी। जब राजू ने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जिन रिश्तेदारों को वो अब तक केवल उस परिवार वृक्ष फैमिली ट्री में देख रहा था, वो उसके आंखों के सामने उसका जन्मदिन मनाने पहुंच चुके थे। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा परिवार वृक्ष फैमिली ट्री के बारे में और जाना।